नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल GS विद अरुण में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारत के बंदरगाहों की। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे किसी भी एग्जाम में किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो बात करते हैं भारत के बंदरगाहों की। देखिए, भारत के जो मुख्य जो बड़े बंदरगाह हैं वो 13 बंदरगाह हैं जो केंद्र सरकार के अंडर में काम करते हैं, और जो छोटे बंदरगाह हैं वो लगभग 200 बंदरगाह हैं, और छोटे बंदरगाह राज्य सरकार के अंडर में काम करते हैं। तो देखिए, परीक्षा से जो भी क्वेश्चन आता है बंदरगाह से, वो केवल मुख्य बंदरगाह, बड़े बंदरगाह, 13 बंदरगाहों से ही पूछा जाता है। छोटे बंदरगाहों से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो इसमें यानी कि जो भारत के बंदरगाह बड़े बंदरगाह हैं, जो 13 बंदरगाह केवल, वही इंपोर्टेंट बंदरगाह है। तो हम बड़े बंदरगाह, मुख्य बंदरगाहों के बारे में ही पढ़ाई करेंगे आज। चलिए, देखिए, भारत के जो बंदरगाह हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। भारत के बंदरगाह को दो भागों में बांटा गया है, एक पश्चिमी तटीय बंदरगाह और एक पूर्वी तटीय बंदरगाह। ठीक है, तो यानी कि पश्चिमी तटीय के जो बंदरगाह हैं वो 6 बंदरगाह हैं, और जो पूर्वी तटीय बंदरगाह है वो 7 बंदरगाह हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम भारत के पश्चिमी तटीय बंदरगाह। देखिए दोस्तों, जो पश्चिमी तटीय बंदरगाह हैं, आज हम इनको ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे। तो पश्चिमी तटीय बंदरगाहों की जो ट्रिक है, वो ट्रिक है कब नहाया मामू मंगल को। क्या है ट्रिक? कब नहाया मामू मंगल को। इससे क्या है, इस ट्रिक से क्या है, आपको ये पश्चिमी तटीय बंदरगाह जो अच्छे से बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, चलिए डिफाइन करते हैं इस ट्रिक को। देखिए, कैसे आता है कांडला बंदरगाह, कैसे आता है कांडला बंदरगाह जो गुजरात का बंदरगाह है। बाद से आता है बंबई बंदरगाह। बंबई बंदरगाह कहाँ है? महाराष्ट्र में। देखिए, जो बंदरगाह ट्रिक में लगे हुए हैं, ऐसी सीक्वेंस से लगे हुए हैं कि आपको राज्य भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बड़ी ही आसानी से इनके राज्य के नाम भी याद हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया, कांडला कहाँ पे है? गुजरात में है। तो तटीय पश्चिमी तटीय का पहला जो राज्य आता है वो गुजरात आता है। बाद से आता है बंबई बंदरगाह, वो कहाँ आता है? महाराष्ट्र में। तो दूसरा राज्य जो आता है तटीय, महाराष्ट्र आता है। ठीक है, फिर गोवा आता है, कर्नाटक आता है, केरल आता है। तो यानी कि ट्रिक में जो बिल्कुल सीक्वेंस से लगे हुए हैं, ताकि आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नहाया से आता है नहावा सोवा बंदरगाह। नहावा से आता है नहावा सोवा बंदरगाह, कहाँ का? ये जो महाराष्ट्र का बंदरगाह है। ये भी मामू से आता है मरमुगांव बंदरगाह, ये गोवा का बंदरगाह है। ठीक है, ये गोवा में है स्थित मरमू गांव। देखिए, इसे लॉजिक से भी याद रख सकते हैं कि मरमू गांव बंदरगाह कहाँ पे? गोवा। मरमू गांव गोवा। ठीक है, आगे चलते हैं। मंगल से आता है मंगलोर या न्यू मंगलोर बंदरगाह। मंगल से क्या हो गया? मंगलोर या न्यू मंगलोर बंदरगाह, जो कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक का बंदरगाह है। तो को से आता है कोची, कोची बंदरगाह। कोची बंदरगाह कहाँ है? ये केरल में है। ठीक है, ये केरल का बंदरगाह। तो देखिए, ट्रिक में जो है सीक्वेंस से बंदरगाह लगे हुए हैं, आपको रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं एक नज़र हम मैप में, मैं आपको थोड़ा जूम करके देखते हैं। देखिए, मैंने पहला बंदरगाह बताया आपको, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ पे है? गुजरात में। तो देखिए, पश्चिमी तटीय का जो पहला राज्य आता है वो गुजरात, ये गुजरात है, यहाँ पे कांडला बंदरगाह है। ठीक है, फिर आता है कौन सा हमारा? बंबई बंदरगाह। और नीचे आता है महाराष्ट्र, कहाँ का बंदरगाह? ये महाराष्ट्र का बंदरगाह है। तो ये स्टेट हो गया महाराष्ट्र, और बंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी भी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया बंदरगाह, बंबई बंदरगाह। के बाद आता है हमारा नहावा सोवा बंदरगाह, जो बंबई के पास स्थित है, यानी कि महाराष्ट्र में ही है, बंबई के पास स्थित है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मरमू गांव बंदरगाह, जो गोवा में है। देखिए, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में छोटा सा जो ग्रीन दिखाई दे रहा है हमको, ये है गोवा स्टेट। तो मरमू गांव कहाँ हो गया? गोवा में हो गया। इसके बाद आया हमारा मंगलोर या न्यू मंगलोर बंदरगाह, ये हो गया कर्नाटक में। ये जो स्टेट है गोवा से लगा हुआ है, बड़ा सा स्टेट, ये क्या है? ये कर्नाटक हो गया। तो मंगलोर, न्यू मंगलोर कर्नाटक में हो गया। और को से आता है कोची, तो कोची कहाँ पे हो गया हमारा बंदरगाह? ये केरल में हुआ। ये सबसे लास्ट वाला जो ग्रीन वाला लंबा सा राज्य है, ये केरल हो गया। तो यानी कि जी, इस ट्रिक में जो बंदरगाह है, बड़ी आसानी से आपको याद कराए जा रहे हैं। ठीक है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एकदम सीक्वेंस से लगे हैं। चलिए, इस ट्रिक की देखिए एक विशेषता और है, इस ट्रिक की एक खास विशेषता और है, जो आपको केवल
एक दो बार याद करने से ही हमेशा के लिए याद हो जाएगी, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए, अक्सर मैंने देखा है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है या कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है या नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो देखिए, आपको इस ट्रिक से बड़ी आसानी से याद हो जाएगा कि कौन सा प्राकृतिक है कौन सा कृत्रिम है। चलिए ट्रिक देखते हैं। ट्रिक में आपने देखा था कि कांसे जो है कांडला बंदरगाह बना है, ठीक है, ट्रिक में बना है कांसे कांडला बंदरगाह, और ध्यान रखना कांसे ही बना है कृत्रिम, कांसे कांडला और कांसे बनता है कृत्रिम। तो जो हमारा कांडला बंदरगाह है वो कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह कैसा हो गया? कृत्रिम बंदरगाह। अब ये इस सीक्वेंस से लगे हैं कि एक बंदरगाह छोड़ दीजिए और क्रम चलते रहे। देखिए, जैसे क्या से कृत्रिम हो गया, कांडला कृत्रिम हो गया, बंबई प्राकृतिक हो गया, नावासोवा कृत्रिम बंदरगाह हो गया, मरमूगांव प्राकृतिक बंदरगाह हो गया, और मंगलोर कृत्रिम बंदरगाह हो गया, और कोच्चि प्राकृतिक बंदरगाह हो गया, है ना। तो एक कृत्रिम एक प्राकृतिक, एक कृत्रिम एक प्राकृतिक, एक कृत्रिम एक प्राकृतिक, तो इस तरह सीक्वेंस से लगे हुए हैं ताकि आपको याद करने में बड़ी आसानी होगी। बस एक बार क्या है, आपको एक या दो बार इस ट्रिक को दोहराना होगा, इस ट्रिक को डिफाइन करना होगा, और हमेशा के लिए आपको ये बंदरगाह याद हो जाएंगे। एक विशेषता और इस ट्रिक की देखिए, एक खास विशेषता एक और है। आपने पढ़े यहाँ पे तटीय बंदरगाह, यानी कि पश्चिमी तटीय बंदरगाह, ठीक है। इस ट्रिक को याद करने से आपके पूर्वी पश्चिमी पूर्वी तटीय बंदरगाह भी याद हो जाएंगे, क्योंकि आपने ट्रिक में पढ़े पश्चिमी तटीय बंदरगाह, और जो इस ट्रिक में बंदरगाह नहीं है समझ लीजिए वो पूर्वी तटीय बंदरगाह है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा पश्चिमी तटीय बंदरगाह है या कौन सा पूर्वी तटीय बंदरगाह है, ठीक है। क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तटीय बंदरगाह है, ठीक है। अब पूर्वी तटीय पूछ रहा है तो उसमें तीन ऑप्शन देगा आपको, जो पश्चिमी तटीय के हैं और एक देगा जो पूर्वी तट के। तो मान लीजिए तीन ऑप्शन जो आएंगे आपको इन बंदरगाहों में से आएंगे, और आपको याद हो चुका है कि जो कबनायन मामू मंगल को है ये पश्चिमी तटीय बंदरगाह है, और जो इन बंदरगाहों से अलग ऑप्शन होगा समझ लीजिए वो पूर्वी तटीय बंदरगाह ही होगा, ठीक है। तो इस ट्रिक से आपको बहुत कुछ बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए बंदरगाह को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। चलिए पहले आता है हमारा कांडला बंदरगाह गुजरात, ठीक है। पहला बंदरगाह आता है कांडला बंदरगाह गुजरात। देखिए यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। इस बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इस बंदरगाह का दूसरा नाम है ज्वारीय बंदरगाह। आगे देखिए एक नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है इस बंदरगाह के बारे में। देखिए 26 सितंबर 2017 को जहाज रानी मंत्रालय के आदेश अनुसार केंद्र सरकार द्वारा बंदरगाह अधिनियम 1908 के तहत प्राप्त शक्तियों के आधार पर कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि जो हमारा कांडला बंदरगाह है, केंद्र सरकार ने एक साल पहले यानी कि 26 सितंबर 2017 को इसका नाम बदलकर कर दिया दीनदयाल बंदरगाह। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ चुका है, अब तक आ भी चुका है और आ भी सकता है आने वाले एग्जाम में, कि किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया, तो कांडला बंदरगाह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे इसका पॉइंट है कि इस बंदरगाह से भारी मात्रा में कपास, सूती वस्त्र, उर्वरक, कच्चा तेल, पोटास, फास्फेट एवं नमक आदि का निर्यात किया जाता है। यानी कि इस बंदरगाह से भारी मात्रा में जो निर्यात होता है वो कपास का होता है, सूती वस्त्र का होता है, उर्वरक का होता है, कच्चा तेल का होता है, पोटास का होता है, ठीक है, और नमक आदि का जो इससे भारी मात्रा में निर्यात होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है बंबई बंदरगाह। नेक्स्ट कौन सा आता है? बंबई बंदरगाह। यह कहाँ का बंदरगाह है? महाराष्ट्र का बंदरगाह है। देखिए यह बंदरगाह यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बंदरगाह है। यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बंदरगाह है, ठीक है, सबसे बिजी रहने वाला बंदरगाह। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो व्यापार होता है, आयात निर्यात होता है, वो इसी बंदरगाह से होता है, क्योंकि सबसे बड़ा है तो इसलिए सबसे व्यस्त भी रहता है, ठीक है। और एक ऐसा बंदरगाह है, ये प्राकृतिक बंदरगाह है,
ठीक है। इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों कि बंदरगाह यानी कि बंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। आपने सुना होगा, एक क्वेश्चन सुना होगा कि भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा गया है, ठीक है, तो बंबई को, है ना। तो बंबई में जो बंबई बंदरगाह है उसे भी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है नहावा सोवा बंदरगाह। कौन सा आता है? नहावा सोवा बंदरगाह, ये कहां पे है? महाराष्ट्र में है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है जो बंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए बनाया गया था, यानी कि नहावा सोवा बंदरगाह का निर्माण किया गया था बंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए, बंबई बंदरगाह का लोड कम करने के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है कि किस बंदरगाह का निर्माण बंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया था, तो ध्यान रखना नहावा सोवा बंदरगाह का, जो मुंबई के पास महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए एक नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है, इस बंदरगाह को पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, किसके नाम से? पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। नहावा सोवा बंदरगाह देश का सबसे आधुनिक एवं सर्व सुविधा युक्त बंदरगाह है, ये भी ध्यान रखना, यानी कि नहावा सोवा बंदरगाह जो है सबसे, भारत का सबसे आधुनिक सुविधा वाला और सबसे ज्यादा सुविधा युक्त बंदरगाह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है मर्मूगांव बंदरगाह गोवा। यह प्राकृतिक बंदरगाह, यह प्राकृतिक बंदरगाह है और अरब सागर के तट पर स्थित है। इसकी ज्यादा विशेषता नहीं है, केवल आपको ध्यान रखना है कि मर्मूगांव कहाँ पे है, ये गोवा में स्थित है और प्राकृतिक बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है मंगलोर बंदरगाह या न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक। मंगलोर या न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक, यह एक बंदरगाह यानी कि कैसा बंदरगाह? ये कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। इस बंदरगाह से केंद्रमुख खान से निकला लोह अयस्क निर्यात किया जाता है। कहने का मतलब है कि कर्नाटक में एक कुंद्रेमुख या केंद्रमुख खान है जो लोहे के लिए प्रसिद्ध है, और उससे जितना भी लोह अयस्क निकाला जाता है उसका निर्यात जो किया जाता है वो मंगलोर बंदरगाह से ही किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, केंद्रमुख खान से निकला हुआ लोहा किस बंदरगाह से निर्यात होता है? तो मंगलोर बंदरगाह से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है कोची बंदरगाह। कोची बंदरगाह कहाँ है? केरल में है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इस बंदरगाह के पास कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी स्थित है जो भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि जो कोची बंदरगाह है केरल में है उसके पास में एक शिपयार्ड कंपनी है, यानी कि पानी के जहाज बनाने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी, ठीक है, जहाज निर्माण करती है और ये भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है, यानी कि भारत की सबसे बड़ी जहाज निर्माता कंपनी है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि यह बंदरगाह चाय, कॉफी एवं मसालों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि इस बंदरगाह से सबसे ज्यादा जो निर्यात किया जाता है चाय, कॉफी और मसाले सबसे ज्यादा इस बंदरगाह से ही निर्यात किए जाते हैं, कोची बंदरगाह से ही निर्यात किए जाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि चाय का जो सबसे ज्यादा उत्पादन है वो असम में होता है, असम राज्य करता है, कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो कर्नाटक करता है और मसालों का जो सबसे ज्यादा उत्पादन है वो केरल करता है। तो चाय, कॉफी और मसालों का सबसे ज्यादा जो निर्यात करता है वो कोची बंदरगाह के द्वारा ही किया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज का हमारा टॉपिक, भारत के बंदरगाह। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको ये ट्रिक अच्छे समय में आई होगी। अगर ये ट्रिक आपको अच्छे समय में आई और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ठीक है, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।